जानिए बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर क्या होता है और यह कैसे काम करती है। हम सभी जानते हैं कि पहले भाले, तलवार, लाठियां इत्यादि हथियारों से युद्ध लड़े जाते थे, तब इनका वार सहने के लिए धातु के बनाए हुए कवच काफी थे, लेकिन जब बंदूकों का निर्माण हो गया तब गोलियां इन धातु कवचों को आसानी से भेद लेती थी और ये बहुत ही भारी हुआ करते थे, इसलिए इनकी जगह लेने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया, जो बहुत ही हल्के होते हैं और गोलियों का वार आसानी से सह सकते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे काम करते हैं। जैसे गेंद रोकते समय हम अपने हाथ को कड़ा किए रहते हैं तब हमें चोट लगती है और गेंद भी हाथ में नहीं आती है, लेकिन वहीं हम यदि गेंद को हल्के हाथों से तथा हाथ को पीछे की तरफ खींचकर पकड़ेंगे तब हमें कोई चोट नहीं लगेगी। उसी तरह बुलेट प्रूफ जैकेट आती हुई गोली की ऊर्जा को एक जगह न लेकर उस ऊर्जा पूरे शरीर में फैला देती है, जिससे हमारे शरीर में झटका तो लगता है लेकिन गोली अंदर नहीं जा पाती है। बुलेट प्रूफ जैकेट निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक, हार्ड बॉडी आर्मर, यह स्टील, प्लास्टिक, सेरामिक और टिटेनियम के बने होते हैं। यह बहुत ही भारी होते हैं लेकिन ये बड़ी गोलियों का भी वार सहने में सक्षम होते हैं और इनका उपयोग आर्मी, पुलिस इत्यादि लोग करते हैं। तो सॉफ्ट बॉडी आर्मर, यह केवलार से बने होते हैं जो कि स्टील से लगभग 5 गुना मजबूत होता है। ये हार्ड बॉडी आर्मर जितने मजबूत नहीं होते हैं लेकिन ये बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे कोई भी इन्हें आसानी से कपड़े के अंदर पहन सकता है।